सुप्रभात बच्चों, मैं सरोज शर्मा वर्ग पंचम की हिंदी की शिक्षिका। बच्चों, ये हमारी नई पुस्तक है सुनहरी ध्रुव और इसका प्रथम पाठ है एक कविता जिसका शीर्षक है कांटों में राह बनाते हैं। बच्चों, उस कविता को हमने पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। आज मैं इसी पुस्तक का दूसरा अध्याय आरंभ कर रही हूँ जिस पाठ का नाम है दया की जीत। मैं पहले आपको रीडिंग लगाना बताऊंगी और उसी के साथ ही इसे एक्सप्लेन भी करती रहूंगी। घायल पशु पक्षियों की देखभाल एवं सेवा करना मानव का सबसे बड़ा धर्म है। जीव जंतुओं के प्रति संवेदना प्रकट करती हुई महात्मा बुद्ध के बचपन की इस कहानी को पढ़ें। बच्चों, महात्मा बुद्ध एक बहुत ही ज्ञानी, त्यागी और परोपकारी व्यक्ति थे। बच्चों, उनके जन्म से ही पंडितों ने ये कहना आरंभ कर दिया था कि ये राजसी सुख को छोड़ देगा और संसार में ज्ञान प्राप्त करने के लिए और लोगों को ज्ञान देने के लिए, मोक्ष के लिए ये सन्यासी बन जाएगा। तो गौतम बुद्ध जो थे वो एक दैवी शक्ति थे। बच्चों, जब वो इस संसार में आने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने अपनी माता तो बाद में बनी थी लेकिन महारानी सुदोदन राजा थे, उनकी पत्नी से, महामाया से उन्होंने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर आना चाहता हूँ। और बच्चों, आपको पता है, हमने पहले भी पाठ पढ़े हैं, उनमें ये बताया गया है कि जब ईश्वर को भी यदि धरती पर आना होता है तो उसे माता का आश्रय जरूर लेना पड़ता है। माँ के बिना वो इस धरती पर आ ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने महामाया से रिक्वेस्ट किया, ये विनती की कि मैं इस संसार में आना चाहता हूँ, क्या आप मुझे जन्म देंगी? महामाया ने सोचा कि कैसा स्वप्न था। उन्होंने राजा सुदोदन को बताया तो सुदोदन ने भी वैसा ही कुछ देखा था, तो उन्होंने इसे सहज स्वीकार किया। और जब समय आने पर उनका जन्म होने लगा तो उनके माता ने वो रमणीक स्थान देखना चाहा था और जो उनके मार्ग में आया नेपाल की तराई में, कपिलवस्तु की तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पर, वो एक स्थान पर रुकी क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जगह थी कि वहाँ से कोई व्यक्ति उसे कुछ क्षण उसका आनंद उठाकर लौट जाना संभव ही नहीं था। उन्होंने अपने कहारों से पालकी रोकने को कहा और वो वहाँ रुकी। उन्होंने एक कपे को, वृक्ष की एक डाल को उन्होंने पकड़ा और उस मनोरम दृष्टि को निहार लिया और संयोग से उस बालक का जन्म उसी समय वही होने लगा जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और वो रमणीक स्थान इतना प्रफुल्लित हो गया कि जिसकी हमें तलाश थी, जो यहाँ आने वाला था, जिसके लिए हम इतने लहलहा रहे थे, आज उसका पदार्पण हुआ और ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति उसे अपने बाहों के पालने में झुलाना चाहे। धरती माता ने अपना आंचल पसार दिया उसके लिए और वो इस तरह उन्होंने उसका स्वागत किया। जब वो अपने नवजात शिशु को लेकर अपने महल पधारी तो लोग दर्शन के लिए आने लगे और ऋषि मुनियों ने उन्हें गोद में लेकर के कहा कि महाराज, आपके घर तो एक ऐसा रत्न पैदा हुआ है जिससे कि बरसों बरसों से ये धरती जिसके लिए प्यासी थी, आज वो इस धरती पर ज्ञान का दीप जलाने के लिए पदार्पण हुआ है। उस संत ने यह भी कहा कि ये बालक अपने राजसी सुख को छोड़ देगा क्योंकि ऐसे तो बिरले ही लोग होते हैं और वो तो साक्षात वो संसार बनाने वाले ईश्वर तो नहीं थे बच्चों, लेकिन ज्ञान का दीप जलाने वाले वो तो बुद्ध थे जिन्होंने लोगों को मोक्ष का रास्ता दिखाया, वो
थे गौतम। तो उन्होंने कहा कि ये पूरे संसार में ज्ञान का दीप जलाएगा, लेकिन इसके इस उस सुख को देखने के लिए कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी उम्र तो अभी इतनी हो गई है और ये तो अभी जन्म लिया है, मैं वो सुख देख नहीं पाऊंगा। सुदोदन ने कहा, महाराज सुदोदन जो थे वो चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, यदि ये राजसी सुख छोड़ देगा तो मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरे तो ये एक ही पुत्र है, और ये भी यदि राजसी सुख छोड़ देगा तो मेरी प्रजा का क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा। महाराज ने कहा कि ये तो विधि का विधान है और ये बालक तो इस पृथ्वी पर आया ही इसीलिए है, तो अपने कार्यों को पूर्ण तो वो जरूर करेगा। सुद्धोधन राजा जो थे, राजा तो थे, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं पूरे महल में इतने सुख भर दूं, इतने सुख भर दूं कि मेरे बच्चे को महल के बाहर जाना ही ना पड़े, न वो बाहर जाएगा, न दुनिया के दुखों को देखेगा और न उसके अंत करने की इसके दिमाग में आएगी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने महल में ही नदी तालाब भी बना दिए, उसके दोस्त सखा भी वहीं ला दिए, उनके पढ़ने का इंतजाम, उनके खेलने का इंतजाम, नृत्य संगीत सब कुछ उन्होंने अपने महल में ही कर दिया ताकि मेरा बच्चा बाहर ना जाए। और फिर समय आने पर उन्होंने यशोधरा नामक राजकुमारी से उसका विवाह भी कर दिया। विवाहोपरांत उनके एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जिसका नाम था राहुल। लेकिन चूंकि ये तो विधि का विधान था, उन्हें तो इस संसार के सुख को त्यागना ही था, इस राजसी सुख को त्यागना ही था और सत्य की खोज में निकल ही जाना था। एक उनके दिमाग में आया कि मेरा जीवन सिर्फ इस महल की चार दीवारी के लिए नहीं है, मुझे बाहर की दुनिया भी देखनी है। तो उन्होंने अगल बगल देखना चाहा, बाहर जाना चाहा, लेकिन जो उनके सिपाही सलाहकार थे राजा सुदोधन के कहने पर उन्हें बाहर जाने से रोक देते थे। उसी संदर्भ में एक कथा है कि जो व्यक्ति जिस चीज के लिए जन्म लेता है ना बच्चों, और जो जिसके दिल में ठान लिया होता है वो उसे पूरा करके मानता है, पूरी कायनात भी उसके साथ उसके मकसद को पूरा करने के लिए जुड़ जाती है। वैसी एक कहानी है कि सिद्धार्थ जो थे, उस बालक का नाम सिद्धार्थ था, हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी कि उनकी माता का कुछ समय बाद ही देहांत हो गया था, माता महामाया का, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था। लेकिन राजा की जो दूसरी पत्नी थी गौतमी, उन्होंने उसका पालन पोषण अपने सगे पुत्र की तरह ही किया था, इसीलिए उन्हें गौतम भी कहा गया। गौतम इनका गोत्र था, इनके गोत्र के नाम से इन्हें पुकारा जाता था, तो उनका नाम था सिद्धार्थ। अब एक दिन होता है कि वो जब उन्हें कोई बाहर नहीं जाने देता तो वो सोचता है कि मैं चुपचाप महल से बाहर निकल जाऊं। वो एक दिन रात में अपनी पत्नी और बच्चे को सोते हुए छोड़ करके महल से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तो उनका एक सिपाही जो उनकी पहरेदारी में रहता था वो सामने उनका माना, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा देखो मेरे रास्ते का रोड़ा मत बनो, मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को तैयार किया हूँ, मेरा मन मोह में अभी भी फंसा हुआ है, मेरे पत्नी के मोह में, मेरे बच्चे के मोह में, मेरे माता पिता के मोह में, लेकिन यदि मैं उनके पास अभी जाऊँगा तो उनके मोह से मैं छुटकारा नहीं पा सकूँगा, उनकी आंखों में आए आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और मैं मेरे मकसद में कामयाब नहीं, इसलिए मैं उन्हें सोता छोड़ करके सत्य की खोज में जाना चाहता हूँ, तुम मेरा साथ दो। अब जो सिपाही था निरुत्तर हो, उसके पास कोई उत्तर ही नहीं था, वो उसके साथ ले जब महाराज को पता चलेगा तो बोले ठीक है, लेकिन अभी तुम मेरे कार्य में मेरा साथ दो। वो उन्हें आगे ले गए, जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे तो देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति सामने से जा रहा है, कमर झुकी हुई लाठी का सहारा लेकर के वो जा रहा था।
सिद्धार्थ ने पूछा कि भाई ये व्यक्ति इस तरीके से क्यों चल रहा है, ये लाठी का सहारा क्यों लिया है, इसकी कमर क्यों झुकी हुई है। सारथी ने, जो कि रथ चलाता है उसे सारथी कहते हैं बच्चों, सारथी ने कहा कि महाराज ये तो वृद्धावस्था है, ये हम सबको आनी है, प्रकृति का नियम है, हर व्यक्ति समय आने पर वृद्ध होगा, मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे, आपके पिताजी भी होंगे, और तब हमें इसी तरह लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा, हमारी कमर झुक जाएगी, आंखों से दिखाई नहीं देगा, हमारे दांत टूट जाएंगे और तरह तरह की बीमारियां हमें घेर लेंगी। सिद्धार्थ हमें उदास हो गया, ये दुनिया है, इसे तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। फिर वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति तड़प रहा है, रो रहा है। सूरज का सारथी, ये क्यों रो रहा है महाराज? इसे कुष्ठ रोग हुआ है, उसकी जो वेदना है, उसकी जो पीड़ा है, उसे ये सह नहीं पा रहा है, इसलिए इसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। सिद्धार्थ मन दुखी होता चला गया कि ये सत्य है, दुनिया में कोई भी बीमार हो सकता है। साथी ने कहा कोई भी हो सकता है। तब तक वो फिर और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक अर्थी जाती होती है, अर्थी बेटा जो इस दुनिया से पलायन कर जाते हैं, यानी जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसे लेके जा रहे थे। तो सिद्धार्थ ने कहा कि क्यों ये अपने से क्यों नहीं चल रहा है, सब इसे बांस की खच्ची पे अपने कंधों पे उठा करके क्यों ले जा रहे हैं और सब इतने उदास क्यों? कहा सारथी ने कहा महाराज जीवन का असली सत्य तो यही है, जो इस दुनिया में आया है वो जीव हो, जंतु हो, कीट हो, पतंग हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, जो भी सजीव है, जो यहाँ पैदा होता है, उसे उसका यही अंत होता है। जन्म के साथ मृत्यु शाश्वत अटल सत्य है। तो क्या सिद्धार्थ ने कहा कि क्या हम भी इसी तरह मर जाएंगे? जी, मैंने कहा कि जो इस संसार में आया है वो इसी तरह संसार से पलायन करेगा, वृद्ध भी होगा, बीमार भी होगा, और इसी तरह चार व्यक्तियों के कंधे पर वो शमशान घाट की तरफ जाकर के इस दुनिया से, ये लोक से परलोक में वो चला जाएगा, और ये पांच तत्वों में से बना हुआ हमारा शरीर पांच तत्वों में लीन हो जाएगा। अब सिद्धार्थ एकदम उदाश हुए, उन्होंने कहा सारथी से कि सारथी रथ रोको। रथ रुका गया और सिद्धार्थ उसमें से उतर गए, और उन्होंने अपने जितने राजसी कपड़े थे और राजसी गहने उन्होंने पहने, मुकुट था, गले में माला थी, बाजूबंद थे, अंगवस्त्र थे, उन्होंने सबको अपने अंगवस्त्र में बांधा और कहा कि सारथी मेरा इस संसार से अब मन उछड़ गया है और मैं उस सत्य की खोज में जाना चाहता हूँ जहाँ पर ये सब ये दुख दर्द न हो। आप मेरे ये सारे सामान को महाराज तक पहुंचा दीजिएगा और अब आप यहाँ से लौट जाइए, क्योंकि आपका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। भारी मन से सारथी उनके उस सामान को, राजसी सामान को लेकर के अपने महल लौट आया और सिद्धार्थ आगे चले गए, और वो जाकर के लोगों से मिलते रहे, साधुओं से, संतों से, क्योंकि उनका तो जन्म ही इस दुनिया के लिए हुआ था, इसलिए उन्हें कोई भय नहीं था, उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता था। बच्चों ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हमें सिर्फ अभी इतना ही जानना है कि वो महल से चले गए थे, उसके बाद की बात हम अपनी किताब में रीडिंग लगाते हुए बताएंगे। आइए हम रीडिंग आरम्भ करते हैं। एक दिन सोते समय राजू अपनी माँ यशोधरा से बोली, माँ तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ। माँ ने कहा, बेटा कहानी तो दादी और नानी सुनाती हैं। बच्चे ने जिद करते हुए कहा, नहीं तुम ही मुझे कहानी सुनाओ। ओहो तुम बड़े जिद्दी हो, ठीक मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। कहते हुए यशोधरा ने कहानी प्रारंभ की। अब बच्चों जो कहानी आप सुनेंगे इसमें, इससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि यशोधरा ने कौन सी कहानी सुनाई थी और किसकी बात वो कर रहे थे। प्राचीन समय में
शुद्धोधन नाम के एक राजा थे, तथा उनकी पत्नी का नाम माया था। उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, दोनों ने उसका नाम सिद्धार्थ रखा। सभी ने राजा को बधाई दी। राजा ने राज ज्योतिषी को बुलाकर बच्चे का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज यह बच्चा बड़ा होकर राजा तो बनेगा, पर यह राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। यह सुनकर राजा अति खुश नहीं हुए। उन्होंने बच्चे को राजसी सुख सुविधाओं की आदत डालना शुरू कर। अब बच्चों इसमें क्या है कि वो माता बच्चों को कहानियां पसंद होती हैं, इसलिए बच्चे जिद भी करते हैं, वो कहते हैं मुझे कहानी सुनाओ। तो सिद्धार्थ की राहुल की जो माता की थी यशोधरा, उन्होंने कहा कि बच्चे कहानी तो दादी नानी सुनाती हैं, मैं क्या सुनाऊंगी। लेकिन बच्चे ने जिद थाम ली कि मुझे तो कहानी आप ही को सुनानी है। अब यशोधरा की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी कहानी सुनाऊं। तो उसने अपने पति की कहानी सुनाई, सिद्धार्थ की कहानी, क्योंकि वो उसे चुपके से सोते हुए छोड़कर चले गए थे। इस बात का यशोधरा को बहुत गर्व था। वो कहती भी रही कि यदि वो मुझे बता के जाते तो भी मैं उनके रास्ते का कांटा नहीं बनती, मैं रोड़ा नहीं बनती, मैं बाधा नहीं बनती, बल्कि उनका मैं सहयोग करती। लेकिन सिद्धार्थ ने रात के अंधेरे में हमें चुपचाप छोड़ के जाने का जो गलत कार्य किया है वो अच्छा नहीं है। इस बात से यशोधरा बहुत आहत थी, इसीलिए वो ये कहानी सुनाने लगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि राजा के यहाँ पुत्र हुआ, पुत्र का नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनकी माता का कुछ समय के बाद देहांत हो गया, लोगों ने बधाइयाँ दी। ज्योतिष लोगों ने कहा कि ये तो राजसी सुख छोड़ देगा और मानव सेवा और जीव सेवा में चला जाएगा। तो अपनी कोई चीज़ जब दूसरों के साथ बंटने लगती है तो मन में कसर सी होती है, और वो भी अपनी औलाद, जिसकी इतनी मन्नतों से लोग मानते हैं कि मेरे घर में एक औलाद हो और मेरे इस सुख संपत्ति, मेरे राज की वैभव का मालिक बने, मेरी प्रजा को देखे, मेरे पर मेरा उत्तराधिकारी बने, वही यदि उसे ठुकरा करके जाने लगे तो सोचो उस व्यक्ति की, उस राजा की पीड़ा क्या होगी। इसलिए ये सोच करके वो राजा ज़्यादा खुश नहीं हुए और उन्होंने उसे सारी सुख सुविधा अपने महल में ही देने की कोशिश की। सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई के साथ पढ़ता और खेलता। महल के उपवन में अनेक पशु पक्षी जिनसे सिद्धार्थ बहुत प्रेम करता था। अब क्योंकि वो तो एकदम बिरला ही व्यक्ति था, उसे पशु पक्षी इंसान कीड़े मकोड़े सबसे प्यार था, सबके लिए दया थी। और उसका मानना था कि जितने भी ये जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इंसान हैं, पेड़ पौधे हैं, जितने सजीव हैं, इन सबको तो ईश्वर ने बनाया है। जैसे हमें तकलीफ होती है वैसे ही एक चींटी के ऊपर यदि पैर रखा जाएगा तो उसे भी दर्द का एहसास होगा, और वो इतनी कमजोर है कि हम यदि उसके ऊपर पैर रख देंगे तो वो इस दुनिया से ही चली जाएगी। तो हमें ईश्वर की बनाई हर कृति से प्रेम करना चाहिए, इसलिए उनके अंदर में दया बहुत ज्यादा थी। वो अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ में उस महल में रहते थे, क्योंकि उन्हें तो महल से बाहर जाने मिलता नहीं था, तो उसी के साथ रहते थे। वहाँ पेड़ पौधे थे, वन थे, बाग बगीचे थे, उसमें पशु पक्षी भी थे, तितलियाँ थी। वो उनसे वो रोज जब उन्हीं को देखते थे और पक्षी भी उन्हीं को देखते थे तो आपस में उन लोगों में बहुत प्रेम हो गया था। एक शाम सिद्धार्थ ने एक हंस को नीचे गिरते देखा। सिद्धार्थ ने दौड़कर उस हंस को गोद में उठाया। उसने देखा कि एक तीर उसके पंख में लगा है। उसने छट से तीर निकाला और अपने अंग बंध से कपड़ा फाड़कर हंस के घाव पर लपेट दिया। तभी वहां उसका चचेरा भाई देवदत्त हाथ में धनुष लिए आया। अब देखिए, आप देख के भी समझ सकते हैं वो हाथ में धनुष लेके आया, यानी अहंकार लेके आया था, और उसके अंदर कोई दया की भावना नहीं थी, वो तो उसका वध करना चाहता। लेकिन उसे गोद में समेट कर, उसके तीर को निकालने के बाद कपड़े से लपेट कर गोद में लेके उसे पानी पिलाना, उसे दुलारना, उसके दर्द के एहसास को कम करना, ये दया का भाव था। देखने और सुनने मात्र से समझ में आ जाता है कि इसमें दयालु कौन है और क्रूर कौन है।
उसने कहा, सिद्धार्थ यह हंस मेरा है, मुझे दे। नहीं देवदत्त, यह घायल है, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। दुखी होकर सिद्धार्थ बोला, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, यह जंगली हंस है, इसे मुझे दे दो। देवदत्त ने अधिकार को कहा, पर घायल पक्षी को मैं नहीं दे सकता, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म। यह सुनकर देवदत्त क्रोधित होकर बोला, इसे मैंने मारा है, यह मेरा शिकार है और इस पर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने इसे बचाया है, इसलिए यह मेरा है। कहानी सुनाते सुनाते मां ने राहुल से पूछा, राहुल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? माता यह देखना चाहती थी कि क्या मेरे पुत्र में भी उसके पिता जैसे गुण हैं, क्या वो भी दयालु है, क्या वो भी न्याय कर सकता है, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न किया। अब देखिए, जो महान व्यक्ति होते हैं ना बच्चों, वो हमेशा विनम्र होते हैं, हमेशा शांत होते हैं, लेकिन जो क्रोधी होते हैं, अहंकारी होते हैं, जिनके अंदर दया नाम की चीज नहीं होती, वो हमेशा क्रोध में बात करते हैं, अहंकार में बात करते हैं, चिल्ला कर बात करते हैं। आप जब भी कोई पाठ पढ़े तो जो व्यक्ति का जैसा करैक्टर है उसी रूप में उसे पढ़िए, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मुझे लगता है कि मैं जिसका भी करैक्टर पढ़ रही हूँ वो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। तो जब भी रीडिंग आप लगाएं इसी टोन में लगाएं, क्योंकि इनमें लिखा हुआ रहता है कि उसने क्रोध से कहा, उसने शांत भाव से कहा, उसने दया दिखाई, तो आप भी वो अभिव्यक्तियाँ कीजिए तो आपको उसका रस का मजा आएगा। प्रेम रस का, करुण रस का, वत्स रस का, सब रसों का आप आस्वादन कर पाएंगे। राहुल ने कहा, माँ हंस तो बचाने वाले को ही मिलना चाहिए। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, उचित कहा बेटा। वे दोनों ही लड़ते लड़ते राजा के पास न्याय के लिए गए, तो राजा ने फैसला किया, हंस पर पहला अधिकार सिद्धार्थ का है, क्योंकि भक्षक से रक्षक महान होता है, अतः हंस सिद्धार्थ को ही मिलेगा। बच्चों, भक्षक माने होता है जो किसी को मार दे, जो किसी को खा जाए, और रक्षक वो होता है जो किसी को बचाता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी मदद करता है। तो यहाँ रक्षक कौन था? यहाँ रक्षक था सिद्धार्थ, और भक्षक कौन था? भक्षक था चचेरा भंती, वो उसे मार डालना चाहता, और सिद्धार्थ जो था उसे बचाना चाहता था। तो राजा ने सही निर्णय लिया कि जो किसी को जन्म नहीं दे सकता उसे नष्ट करने का अधिकार क्या किसने दिया? ईश्वर हमें जन्म देता है, इस पृथ्वी पर लाता है, तो उसे मृत्यु देने का भी अधिकार है, लेकिन क्या इंसान को अधिकार है? उसने जब जन्म नहीं दिया तो वो उसे मार कैसे सकता है? ये न्यायप्रिय बात। उस छोटे से बच्चे राहुल के भी दिमाग में ये बात थी कि नहीं, हंस को ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने दया दिखाई। आप इस चीज को खुद भी महसूस कर सकते हैं बच्चों, घर में ही आप देखिए, आपको बहुत बातों पर आपको डांटनी पड़ जाती, बड़े भाई ने आपको दो चपत लगा कर आपको डांटा, उस समय आपको वो भाई बहुत सहन करता है, और वही जब आपका छोटा भाई या छोटी बहन या माँ कोई भी आपके पास आकर आपके सिर पे हाथ फेरती है और आपको दुलार करके बात करती है, बात पूछती है, तो आपको वो बहुत अच्छी लगती है। तो अब यहाँ देखिए, भाई ने आपको जान से मारने की नहीं की, लेकिन आपको पीड़ा दी, हालांकि उसने सही दिया, लेकिन वो आपकी समझ थी कि आप उस बात को समझ नहीं सके, तो आपके लिए उस समय वो आदमी क्रूर था, लेकिन जिसने आपको सांत्वना दी, जिसने आपको बचाया उसके डांट से, उसके मार से, वो आपको बहुत प्रिय लगेगा। तो इसी तरह बच्चों, इस संसार में जो किसी को दुख देता है, जिसके को नष्ट करना चाहता है, वो भक्षक होता है, और जो जिसे बचाता है, जिसे प्यार करता है, जिसे खुशी देता है, जिसे जीवन दान देता है, वो रक्षक कहलाता है। यही सिद्धांत बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए, जिन्होंने अपना समस्त जीवन सत्य, अहिंसा, परोपकार, मानव धर्म समर्पित कर दिया। अब बच्चों,
जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए महल छोड़ करके चले गए थे। तो उन्होंने जब रास्ते में इस तरह के लोगों को देखा, वृद्ध को देखा, कोड़ी को देखा और मृत्यु की मृत्यु हुई हुई व्यक्ति को देखा, एक शव को देखा यानी, तो उनका मन एकदम छिन्न भिन्न हो गया था इस संसार से। और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत महात्माओं के पास वो गए और संत महात्माओं ने भी उनकी परीक्षाएं ली। उन्हें ऐसी ऐसी जगह पर बैठाया जहाँ पर सांप बिच्छुओं का ही डर था और ये कह के कि शायद तुम उसमें बच ना पाओ, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने मन और क्रम और वचन से अपने इंद्रियों को वश में कर चुका हूँ, अब मुझे देखना है कि मैं कितनी इंद्रियां वश में। तो वैसी ऐसी झोपड़ियों में ऐसी ऐसी जगह पर हो रहे हैं जहाँ उन्हें यातनाएं दी गई, लेकिन वो बड़े बड़े जो सर्प थे, बड़े बड़े जो उन्हें कष्ट देने वाले जीव जंतु थे, वो सब उनकी साधना के सामने फेल हो गए और वो जीते जागते ही सामने गए। उन्होंने पूरे संसार में बुद्धम शरणम गच्छामि का संदेश दिया, लोगों को सत्य का पाठ पढ़ाया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, परोपकार करने का पाठ पढ़ाया और मानव धर्म को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। अहिंसा के लिए एक बार एक राजा ने यज्ञ रखा था अपनी प्रजा के लिए, प्रजा और अपने राज्य की सुख शांति के लिए। तो उसमें एक मेमने की बलि चढ़ाने जा रहे थे और वहीं से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे। उन्होंने देखा छोटे छोटे जीव थे, ये बकरियां और भेड़ बकरी वहां थी और उसमें एक छोटा सा मेमना था, उसे कुछ लोग उठाकर ले जा रहे थे। मेमना बुरी तरह चिल्ला रहा था तो गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या है, तुम इसे क्यों रुला रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो, उसे आजाद छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, ये यहाँ के राजा ने यज्ञ रखा है जिसमें इसकी बलि दी जाएगी। गौतम बुद्ध अवाक रह गए, उन्होंने कहा क्यों बलि दी जाएगी। राजा ने कहा कि मेरी प्रजा और मेरे राज्य की सुख शांति के लिए मुझे इसकी बलि देनी है। गौतम बुद्ध ने शांत स्वभाव से कहा, राजन इस मूर्ख प्राणी जो बोल नहीं सकता, अपने आप को बचा नहीं सकता, उसकी बलि देने से यदि आपके राज्य में सुख शांति होती है तो मेरी बलि देने से तो आपके राज्य में बहुत कुछ हो जाएगा, आप लोग उतर जाएंगे, आप लोग को मोक्ष मिल जाएगा। बोले क्या भाई कैसी बातें करते हो। बोले हाँ मैं ज्ञानी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मेरा आचरण अच्छा है, सब कुछ आपके यज्ञ के योग्य है, आप मेरे 1000 टुकड़े कर लीजिए और यज्ञ में आहुति दे दीजिए। महाराज उसे सुन करके चंबित रह गए और खड़े खड़े ही उन्होंने अहिंसा का पाठ में पढ़ा दिया, वो उसके चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे और उसे अपना गुरु स्वीकार कर लिया। ऐसी ही बच्चों छोटी छोटी कहानियाँ बहुत सी हैं जो हम फिर उनके ऊपर कभी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये पाठ यही समाप्त हुआ, इसके बाद हम अगले पाठ की तरफ बढ़ेंगे। आप इसका रीडिंग लगाइएगा और कहीं भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके उनसे पूछिएगा, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। धन्यवाद।